हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1 इससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा बेटा प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो क्योंकि वंस यू वॉच द इंट्रोडक्शन है उसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टड सो एक्सरसाइज टू बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनॉर्मियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर सो इसमें से कौन कौन से पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है और कौन कौन से नहीं अगर हम सिर्फ ये दिमाग में रखें ना पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो हम ऐसे देखेंगे यहाँ पे एक्सी है सिर्फ यहाँ पे टी ही है यहाँ पे ये यह नहीं है भाई पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ये सारे हैं है ना यही लगेगा ना ये चेक करना है बट बेटा यहाँ पे क्या होगा ना कुछ आपको दिखेंगे कि पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल का एक रूल होता है उसमें जो भी वेरिएबल है अब वेरिएबल क्या होते हैं मतलब जो भी अल्फ़ाबेट आता है ना जैसे कहीं एक्स आ जाएगा कभी वाई आ जाएगा ए बी सी या यहाँ पे जैसे टी था तो कुछ भी आ सकते हैं दैट मीन्स जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो या तो वन होगी या वन से ज़्यादा होगी या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं दैट शुड बी अ होल नंबर ठीक है अब ये मैं क्यों कह रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा स्टार्ट करते हैं पहला देखते हैं हम इसको हटा देते हैं पहला अगर देखे अरे क्या है ये हटा क्यों नहीं अरे सो so, फर्स्ट है फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन सो एक्स यहाँ पे वेरिएबल है एक ही वेरिएबल है एंड इसकी पावर टू इसकी पावर वन ठीक है सो so, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ठीक है बच्चे आगे सेकेंड पार्ट पे जाए तो वाई स्क्वायर प्लस टू वाई की पावर एक ही वेरिएबल है वाई की पावर टू ये हमारा एक वॉल्योम इन वन वेरिएबल है इस पे आए थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू अब थ्री के बाद रूट टी आ गया रूट टी का मतलब क्या है बेटा टी की पावर हाफ यही मतलब होता है अगर जैसे आप रूट टू लिख रहे हो तो उसका मतलब है टू की पावर हाफ है सो यहाँ पे अगर टी हमारा वेरिएबल है वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होती है वेरिएबल की पावर कभी भी हमारी हाफ या ऐसे वन पॉइंट टू नहीं हो सकती वन टू एक फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर है सो दैट मींस ये पॉलिनोम ही नहीं है ठीक है वन वेरिएबल है वो बोल लो टू वेरिएबल बोल लो वेरिएबल पे तो बाद में जाओगे ना वो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है ठीक है तो वो नहीं माना जाएगा फोर्थ पार्ट पे आ जाओ बेटा वाई प्लस टू अपॉन वाई एक ही वेरिएबल है लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है यहाँ पे y अगर अपॉन में है जैसे ये टू अपॉन y है दैट मीन्स बच्चे y की पावर हो गई माइनस वन ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y की पावर माइनस वन माइनस वन एक होल नंबर नहीं है एक इंटीजर है सो दैट मीन्स ये भी हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा ठीक है उसके बाद इसमें आ जाओ x की पावर टेन y की पावर थ्री t की पावर फिफ्टी तो है भाई पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्या एक वेरिएबल में है नहीं यहाँ पे एक दो तीन वेरिएबल है सो so अगेन ये इन वन वेरिएबल नहीं है आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर टू है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑफ इन ईच द फॉलोइंग सो बेटा कोफिशिएंट क्या होता है जैसे अगर एक्स का कोफिशिएंट है तो उसके आगे जो नंबर है वो उसका कोफिशिएंट हो गया अगर आपके पास थ्री एक्स स्क्वायर है तो बताओ इसमें एक्सक्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा सिंपल थ्री हो जाएगा अब यहाँ पे देखो इसमें एक्सक्वायर का क्या है बेटा वन है क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है मतलब वन इसमें X square का है भी साथ लेके चलेंगे इसमें X square का बेटा के साथ पाएपॉन टू है तो ये इसका कोफिशियंट हो गया यहाँ पे हमारे पास अब आप कहोगे मैम इधर तो एक्सक्वायर है ही नहीं एक्सक्वायर नहीं है क्यों भाई इसको मैं लिख दू प्लस जीरो एक्स स्क्वायर आ गया भाई एक्स स्क्वायर जीरो इन करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा सो दैट मींस अगर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो उसका कोफिशियन जीरो हो गया ठीक है समझ में आ गया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री थर्टी फाइव एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल बेटा जैसे अगर ये है टू प्लस एक्स प्लस सेवन सो यहाँ पे डिग्री क्या होगी डिग्री होगी हाईएस्ट पावर जैसे हमारा वेरिएबल इधर x है यहाँ पे x की पावर टू है इधर x की पावर वन है बड़ा कौन सा है टू है तो इस पॉलिनॉमिल की डिग्री टू हो जाएगी ऐसे ही अगर आपके पास है वाई सेवेंटी फोर प्लस एक्स थर्टी फाइव प्लस सेवन वाई ऐसे कर लेते हैं सो so, यहाँ पे डिग्री क्या है बेटा यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 74 डिग्री 74 हो गई मतलब हाईएस्ट पावर ठीक है अब इसको रब कर लेते हैं अब हमें क्या बोला गया है हमें लिखना है एक बाय नॉमियल का मतलब होता है बाय मतलब टू सो बायनॉमियल बेसिकली मीन्स टू टर्म्स जैसे इफ आई राइट फोर एक्स प्लस सेवन सो वन टर्म टू टर्म इफ आई राइट फोर प्लस अगेन ये दो टर्म्स है है ठीक इसी के आगे इफ आई राइट लिख दिया लेट्स सपोज तो तीन टर्म्स हो गई सो so, हमें यहाँ पे एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी हाई मतलब डिग्री जहाँ पे थर्टी फाइव होनी चाहिए सिंपल अगर मैं लिखती हूँ एक्स रेस टू दावर थर्टी फाइव प्लस सेवन लिखती है दो हमारे पास यहाँ पे हाइएस्ट पावर ये है ये भी हो सकता है इसी को लिख 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 कुछ भी लिख सकते सकते हो बस दो टर्म्स लेनी है और 35 से बड़ी पावर नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे फोर्टी सेवन कर दो तो, तो वो बड़ी हो गई पावर तो वो डिग्री ऑफ फोर्टी सेवन हो गई तो हाइएस्ट पावर हमें थर्टी फाइव ही रखनी है सिमिलरली मोनोमियल का मतलब क्या है बेटा मोनोमियल का मतलब ओनली वन टर्म्स जैसे आपके पास 100 है सो यू कैन राइट जैसे y ले लिया रेस टू द पावर 100 इसी को आप 7y भी लिख सकते हो या 8y कोई आगे नंबर मल्टीप्लाई में लगा सकते हो प्लस माइनस वगैरह करोगे तो वो टर्म्स ऐड हो जाएंगी एक ही टर्म चाहिए हमें ठीक है सो so, इस तरीके से इसका कुछ भी आंसर लिख सकते हो आप ठीक है चलो आगे देखो बेटा फोर्थ पार्ट राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोम अभी डिस्कस करके आए हम डिग्री क्या होता है हाइएस्ट पावर सो इसमें देख लो एक्स की क्या क्या पावर है थ्री टू वन हाइएस्ट पावर क्या हुई बेटा थ्री हो गई यहाँ पे y की हाइएस्ट पावर टू यहाँ पे t की पावर वन ही है तो वन ही हाइएस्ट लेंगे अब यहाँ पे बताओ मेरे को यहाँ पे क्या पावर है यहाँ पे पावर होगी जैसे अगर यहाँ पे मान लो ये x रेज टू दी पावर जीरो है सो so, x रेज टू दी पावर जीरो क्या बन जाएगा बेटा एनीथिंग रेज टू दी पावर जीरो इज वन तो दैट मीन्स इसमें हमारी हाइएस्ट पावर जीरो हो जाएगी ठीक है तो क्योंकि हम इसको ऐसे मान सकते हैं ना कि थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सरे तो पावर जीरो से तो ये हो जाएगा थ्री इन टू वन सो ये हो गया जीरो ठीक है तो हाइएस्ट पावर क्या हो गई हमारी हाइएस्ट पावर हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन से इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोरिनोम सो लीनियर कौन से होते हैं बेटा जिसमें डिग्री मतलब हाईएस्ट जो पावर होगी वो वन होगी इसमें हाईएस्ट पावर टू होनी चाहिए एंड क्यूबिक में हाईएस्ट पावर थ्री होनी चाहिए अब जैसे यहाँ पे क्या डिग्री है टू तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया यहाँ पे हाईएस्ट पावर टू है सो तो ये कॉर्डरेटिक हो गया इधर हाईएस्ट पावर वन है लीनियर हो गया यहाँ पे टी की पावर वन यही है लीनियर तो हो गया आर स्क्वायर कॉर्डरेटिक हो गया एक्स क्यूब क्यूबिक हो गया, R2, हो गया।, X3, हो गया। Simple, सिंपल कितना सिंपल था इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 होती है कंप्लीट इजी सी सिंपल सी एक्सरसाइज थी लेकिन बेसिक्स क्लियर होते हैं डिग्री याद रहेगा हमेशा क्या होता है कोफिशियंस क्या होते हैं तो इसीलिए एक्सरसाइज दी होती है कि छोटी छोटी चीजें हमें याद रहे सो नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज बट ऑफकोर्स इन दी न्यू वीडियो सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन टेक केयर एंड बाय